नमस्कार मित्रों, संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आपने देश दुनिया के अनेक स्थानों की यात्राएं की होंगी और आपको ऐसा मौका भी लगा होगा कि आपने उन शहरों में बहुत सारे म्यूजियम देखे होंगे और निश्चय ही उनमें बहुत सारे ऐसे म्यूजियम भी होंगे जिन्हें देख करके आप बहुत रोमांचित हुए होंगे। भला कोई रोमांचित क्यों न हो, ये वे संग्रहालय या म्यूजियम हैं जो हमारी पूरी सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक हैं। आज से सदियों पहले कि हमारी दुनिया कैसी थी, हमारे पूर्वज किस तरह के थे, हमारी सांस्कृतिक धरोहर किस तरह की थी, ये संग्रहालय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूरे युग युगांतर की कहानियों को एक तरह से हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। यहाँ जो अवशेष रखे जाते हैं, जो पेंटिंग्स, चित्र, बल्कि पुरानी सभ्यताओं के पत्थर, वहां के सिक्के, वहां के बर्तन, न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख करके हम अनायास ही रोमांचित हो उठते हैं कि वो उस समय की दुनिया कैसी थी, लोगों का रहन सहन किस तरह का था, हमारे आदिवासियों का जीवन किस तरह का था, लोग किस तरह से भोजन बनाते थे, किस तरह की उनकी जीवन शैली थी। यही सब कुछ देख करके तो हम आह्लादित होते हैं और हम यह भी सोचते होंगे कभी कि अभी जो कुछ हम देख रहे हैं उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित और सुरक्षित रखें। यही सोचकर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसे आईकॉम कहा जाता है, उन्होंने वर्ष 1977 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया था। 1978 के संग्रहालय दिवस जो मनाया गया था उसमें 20 देश सम्मिलित हुए थे और इस समय लगभग 160 देशों के 37,000 से अधिक संग्रहालय इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं। इसके पीछे मूल भाव यही था कि इन संग्रहालयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए हम कोई एक ऐसा दिन मनाएं, दिन क्या सप्ताह इस तरह से आयोजित करें ताकि जन सामान्य में कहीं ना कहीं इन संग्रहालयों के प्रति जागरूकता और जानकारी मिले। यही सोचकर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, जो एक गैर संघ सरकारी संगठन है और यूनेस्को के साथ भी किसी न किसी रूप से ये जुड़ा हुआ है, इसका एक संबंध उसके साथ भी है, उसने यह एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया और उसके इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी 1983 अर्थात 1983 में। इसी परिषद ने 1992 में यह तय किया कि हम प्रतिवर्ष एक थीम तैयार करेंगे, एक थीम प्रस्तावित करेंगे और उसी थीम पर आधारित दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तब से प्रतिवर्ष कोई न कोई थीम ऐसी आयोजित की जाती है जिसके आधार पर यह संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 1986 में इस अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने एक आचार संहिता का निर्माण किया जिसका मूल भाव यही था कि सदस्य देश इन संग्रहालयों को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध हों, उसके लिए प्रयास करें। इस परिषद की स्थापना का मूल जो हम यदि खोजें तो 1926 से जोड़ सकते हैं लीग ऑफ नेशंस के। लीग ऑफ नेशंस के समय में इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय ऑफिस, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफिस, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यह समाप्त हो गया था और इनके इन कार्यों को कालांतर में इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल या आईकॉम ने एक तरह से आगे बढ़ाया। तो मित्रों, ये जो संग्रहालय परिषद का आह्वान है और संग्रहालय परिषद ने यह भी कोशिश की है कि इतनी महत्वपूर्ण
कलाकृतियों की तस्करी न हो, अवैध तरीके से जो इनका व्यापार किया जा रहा है इसको रोकने के लिए भी इसके प्रयास, इसकी रोकथाम के लिए भी कोशिश की जाती है निरंतर। भारत में इस दिन सभी संग्रहालयों में प्रवेश निशुल्क होता है। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी नई पीढ़ी को संग्रहालयों के महत्व की जानकारी देने के लिए इस दिन या इसके दो चार दिन आगे पीछे हम किसी न किसी संग्रहालय में जाएं, उसकी उस भूमिका को, उसके महत्व को देखें, समझें। अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें इनके चित्रों को हम अपलोड करें, उसके बारे में कुछ लिखें, ताकि एक जन चेतना जागृत हो इस दिशा में। अकादमिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करें, सेमिनार्स आयोजित करें, ताकि इन संग्रहालयों के महत्व के बारे में आम जनता को हम कहीं जागरूक कर सके, इस दृष्टि से कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस विरासत को संरक्षित करेंगे। मुझे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर मिला है। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां इस तरह के संग्रहालय हैं, और वो संग्रहालय हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से ऐसी धरोहर है जिसको सुरक्षित रख हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे उस पूरा का पूरा जो अतीत है, स्वर्णिम अतीत है, उसकी यादों को हम किसी बनाने की जो है कोशिश करते हैं। निश्चय ही इस तरह की एक जागरूकता और चेतना हमें आम जन में फैलानी पड़ेगी, ताकि इन संग्रहालयों के संरक्षण के लिए वे कहीं ना कहीं सजग और सचेत हो। आज यह आंदोलन एक तरह से वैश्विक आंदोलन में बदल गया है। दुनिया के अधिकांश देश इस तरह के संग्रहालयों को अपने लक्षित समूहों को ध्यान में रखकर, कभी आदिवासियों की दृष्टि से, कभी युवाओं की दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इस तरह के संग्रहालयों को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। और अब तो जिस तरह से तकनीक का विकास हो रहा है, तो हम कोशिश करते हैं ये जो संस्थान है, संग्रहालय है, कि उनके साथ इस तरह के ऑडियो भी कुछ उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि उन ऑडियो के माध्यम से भी जब हम उन कलाकृतियों को, उन सारे जो हमारे अवशेष हैं पुरानी सभ्यता के, संस्कृति के, उनके बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सके। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन चीजों को कहीं समझने के लिए निरंतर न सिर्फ प्रेरित हों, बल्कि नई पीढ़ी को भी इस दिशा में प्रेरित करें। तो 18 मई का ये दिन हमारे सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को, जो एक शैक्षिक अभियान हमने शुरू किया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको गति देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें, और अपने टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करें। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।